वसुंधरा नीला नीला ये गगन। 60 के दशक के इस सुंदर गीत में धरती माँ की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये शायद उस धरती का वर्णन था जो उस समय के लोगों ने देखी थी। रचनाकार ने अपनी रचना में उस हरी धरती और नीले आसमान को दर्शाया है जो उस समय हुआ करते थे, क्योंकि आज तो नज़ारा कुछ और ही है। हमारी धरती को आज महंगे आलीशान पत्थरों ने खरीद लिया है। हमारी हरियाली प्रदूषण की भेंट चढ़ गई है। ऐसा लगता है मानो हमारे नील गगन को कारखाने, गाड़ियों आदि के धुओं की नज़र लग गई। इन सब के ही कारण हमने शायद उन खट्टी केरी की मीठी खटास को महसूस नहीं किया जिसे हमारे बड़ों ने चखा है। हम अब वो ताज़ा मीठे फल कहाँ से लाएं जो पहले गली गली हर घर के आंगन में लदे होते थे। आज हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो प्राकृतिक आनंद लेने में असमर्थ हैं। इस गीत की एक और पंक्ति है जो कुछ इस प्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम। इसका अर्थ स्पष्ट है। हम सब ने ये बात तो सुनी है कि व्यक्ति जैसी चीजें देखता है वैसे ही गुण अपने अंदर उतारता है। ऐसे ही पहले लोगों का मन इस पवित्र वातावरण को देखकर सदैव पवित्र रहता था। इस शांत प्रकृति का नज़ारा देख चिंता रहित और शांत रहता था। पर आज हमें कुदरत की सुंदरता दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। आज व्यक्ति मशीनों के बीच रहकर मशीनों के भांति ही व्यवहार करने लगा है। आज का व्यक्ति दिन भर मशीनों की तरह कार्य करता है और आराम न मिलने की वजह से सदैव चिंता से घिरा रहता है। और इन सभी का एक ही कारण है, हम हमारी प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं जो कि शांति का प्रतीक है। इसलिए आइए मिलकर ये प्रण लें कि अपनी धरा को स्वच्छ बनाएंगे, खूब सारे पौधे लगाएंगे और फिर यही गीत गुनगुनाएंगे। हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन।